बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द कोलिटोकोलिथियासिस। एस टू का टॉपिक है ये, ठीक है। अब इसकी क्लासिफिकेशन स्टोन्स है ना, बेसिकली कोलिटोकोलिथियासिस का मतलब है कि स्टोन इन अ बाइल डक्ट। कोलिटोकोडक्टिथियासिस इन्फ्लेमेशन हो जाएगी स्टोन की वजह से, स्टोन इन द बाइल डक्ट। अब इसकी क्लासिफिकेशन दो तरह की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो प्राइमरी होती है ना कि बेसिकली सीबीडी के अंदर बनती है, ठीक है, और बिलरी ट्री के अंदर बन जाती है खुद ब खुद, ठीक है। मेनली ये ज़्यादातर ब्राउन पिगमेंट की होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो अल्टर पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द बिलरी टी कॉन्जेनिटली भी हो सकती है इन्फेक्शन की वजह से, लेकिन जो सेकेंडरी स्टोन्स होती है ना ये बनती कहीं और है, उसके बाद फिर बाइल डक्ट में आती है, लेकिन प्राइमरी जो है वो सीबीडी के अंदर ही बनती है। मेन ये डिफरेंस है, इसके अंदर ब्लैक पिगमेंट स्टोन्स होते हैं। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स जो है ना, इसके अंदर क्या होता है, जॉन्डिस होता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। पेन जो है, इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, एक तो इसमें बिलरी कोलिक होगा, ठीक है, नॉन स्पेसिफिक एब्डोमिनल पेन होगी, असेंडिंग कोलेंजाइटिस होगा, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। इसके अंदर बेसिकली आपको जॉन्डिस जरूर मिलेगा, एक्यूट कोलेंजाइटिस में बहुत माइल्ड समझ, लेकिन इसके अंदर मोस्ट कॉमन यही है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है, फीवर, चिल्स और राइकर्स, ठीक है। अब इसकी जो डीडीज हैं, इसके अंदर क्या आ सकता है, हमें लगेगा हेपेटाइटिस है, हेड ऑफ द पेंक्रियाज है, कार्सिनोमा हो गया, सॉरी हेड ऑफ द पेंक्रियाज का कार्सिनोमा है, स्ट्रक्चर बन गया, कार्सिनोमा है। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशन इसकी क्या हो सकती है, इसमें लिवर एब्सेस बन जाता है, कोलेंजाइटिस हो सकता है, लिवर डिसफंक्शन हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन में आपने वही सबसे पहले क्या करवाना है, अल्ट्रासाउंड करवाना होता है। इसके अंदर जो गोल्ड स्टैंडर्ड है ना, वो ERCP होता है, ठीक है, इसे आप रिमूव भी कर देते हैं स्टोन को। इसके अलावा आपने क्या करवाना है, MRCP करवाएंगे, LFTs करवाएंगे, एंडोक्यूली सोनोग्राफी कराएंगे। इसके अलावा इसका ट्रीटमेंट जो है ना वो दो तरह का होता है, ERCP और कोलिटोकोटोमी। ERCP के अंदर आप ये इन्वेसिव टेक्निक होती है, इसके अंदर आप ट्रीट भी कर सकते हैं, डायग्नोस भी कर सकते हैं। कोलिटोकोटोमी के अंदर क्या होता है, अगर ERCP फेल हो गई है ना, तो आपने ओपन सर्जरी के लिए सीबीडी को लैप्रोस्कोपिकली ओपन करें और स्टोन को रिमूव कर देंगे, लॉन्गिट्यूडिनल सीएन देंगे और वहाँ पर टी ट्यूब को इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। लॉन्ग ट्यूब ऑफ द जो टी ट्यूब है वहाँ पे इंसर्ट करेंगे, अलाउड टू डिफिर उसे नॉर्मली ड्रेन कर देंगे। आफ्टर द जैसे पेशेंट रिकवर होगा तो बाइल को क्लियर कर देंगे, वहाँ पे टी ट्यूब कोलेंजियोग्राम इज डन। आफ्टर द 5 to 7 डेज के बाद आप टी ट्यूब का जो कोलेंजियोग्राम होता है वो करके देखेंगे, अगर तो बाइल क्लियर है और भी ठीक है तो आप उसे रिमूव कर देंगे। फिर इज अ नो डिस्टल डिस्ट्रक्शन, टी ट्यूब इज रिमूव, इफ एनी रेसिड्यूअल स्टोन प्रेजेंट, तो उस जो टी ट्यूब है उसको आप 6 weeks के बाद रिमूव करेंगे, ठीक है। अब हम इसके UQ देख देते हैं, कोलेंजाइटिस भी कर लेते हैं बल्कि। कोलेंजाइटिस बेसिकली क्या, अगर तो बिलरी चैनल्स की इन्फ्लेमेशन हो गई है, इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म E. coli सोडोमोनास कैप्सिला हो सकते हैं। इसकी प्रेजेंटेशन जो होती है ना, ये एक तो हमें जॉन्डिस मिलेगा जो उसमें भी पड़ चुके हैं, इसके अलावा स्टेसिस यानी कि इसके अंदर इन्फेक्शन होगा, बैक्टीरिया है और फीवर है। ये आपने चार को ट्राइड याद रखनी होती है, फीवर, जॉन्डिस और पेन। जो क्यूट कोलिथियासिस है उसके अंदर आपको मैं बताऊँ, स्वेयर पेन होती थी और फीवर था, वॉमिटिंग थी। यहाँ पे फीवर है, इंटरमीडिएट पेन है और इंटरमीडिएटली जॉन्डिस मिलेगा, लेकिन स्टेसिस के अंदर क्या है, यहाँ पे पेंटाट्राइड, फीवर, सेप्सिस, ठीक है। इसके अलावा जॉन्डिस हो सकता है, मेंटस, इसमें मेटास्टेटिस चेंजेस तीनों वही आएंगे, सिर्फ इसमें मेटास्टेटिस चेंजेस और सेप्सिस आ जाता है। इन्वेस्टिगेशन में आपने क्या करवाना है, वही TLC करवाएंगे, LFTs करवाएंगे, अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। ट्रीटमेंट में आपने क्या देना होता है, IV एंटीबायोटिक देंगे, एनर्जेसिक और IV फ्लूइड्स और ERCP करवाएंगे। अब इसके UQ देखते हैं। अब उन्होंने करके बाइल स्टोन की ट्रीटमेंट जो है वो क्या हो सकती है, आपको मैंने बताया, तो आप ERCP से रिमूव करेंगे और फिर हो जाती है तो कोलिडोकोटोमी कर देंगे, मतलब उसे ओपन करेंगे और रिमूव करेंगे, या फिर लैप्रोस्कोपिकली भी रिमूव कर सकते हैं। अब 40-year-old सेप्शन प्रेजेंट था, पेन इन द राइट हाइपोकोंड्रियम, इंटरमीटेंट जॉन्डिस है, डार्क यूरिन और पेल स्टूल पास किए हैं, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे कॉलबेडर इम्पैल्पेबल, स्टोन की वजह से कॉलबेडर की फाइब्रोसिस हो जाती है और इम्पैल्पेबल हो जाता है। डायग्नोसिस में क्या आएगा, कोलिडोकोलिथियासिस। ट्रीटमेंट आपने जो मैंने ऊपर बताया वही लिखना है। नेक्स्ट मैंने 55-year-old फीमेल है, प्रेजेंट विद 3 डेज ऑफ द हाई ग्रेड फीवर, बाउट्स ऑफ अपर एब्डोमिनल पेन है, जॉन्डिस है, लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी की है। इसमें आपको जॉन्डिस मिला, पल्स हाई है, BP देखिए, टेम्परेचर, डीप टेंडेंस है इन द राइट अपर क्वाड्रेंट विद नो पैल्पेबल मास, ठीक है। अल्ट्रासाउंड पे आपको डायलेटेड चैनल्स मिले। अब देखिए मैंने आपको बताया था क्या होगा कि फीवर, जॉन्डिस और पेन, ये ट्राइड बनेगा, ठीक है, फीवर, जॉन्डिस और पेन का। इसके अलावा डीप टेंडेंस है और पैल्पेबल मास भी है, तो इसका मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या है, कोलेंजाइटिस। अब उन्होंने कहा कि इसकी इकोजेनिक शैडो भी इसके अंदर मिला है, डायलेटेड हुआ है बेसिकली, मैंने आपको बताया था बिलरी ट्रीज में डायलेशन हुई होगी। मैनेजमेंट प्लान इसके अंदर वही IV फ्लूइड, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिया और IV फ्लूइड्स, ठीक है। नेक्स्ट 45-year-old फीमेल हाउस वाइफ, प्रेजेंट इन OPD विद हिस्ट्री ऑफ द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, पेन है, फीवर, इंटरमीडिएट जॉन्डिस है, जैसे जॉन्डिस विद इम्पैल्पेबल कॉर्बेट है, तो आपको पता क्या है, कोलेंजाइटिस। इन्वेस्टिगेशन में आपने क्या करवाने, आपने सारे करवा के देखेंगे, अल्ट्रासाउंड और LC करवा के देखेंगे, ठीक है। ये भी हो गया